वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग YCT जनरल नॉलेज 2024 का ये संपूर्ण बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस आधुनिक इतिहास का जो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो इस बुक में हिस्ट्री जो चाहे हमारा पार्ट दिया गया है, हिस्ट्री का पार्ट का दोस्तों आज का ये हमारा अंतिम पार्ट होगा। यानी कि हिस्ट्री आज से हमारी इस बुक की हिस्ट्री हमारी यहाँ से फिनिश हो जाएगी। और अगला इसके बाद दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जो भी पढ़ना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो चीज स्टार्ट करके पढ़ा दूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के विविध के बारे में जानेंगे और विश्व का इतिहास यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, टोटल हम लोग यहाँ पे 1511 नंबर से लेकर के 1580 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। और दोस्तों, ये आज का हमारा इतिहास का ये पार्ट 26वां होगा। 26वें पार्ट से हमारा इस बुक का जो जितना भी इतिहास दिया गया था, तो वो सारे इतिहास हमने कवर कर लिया है। दोस्तों, अगर आप इन सारे प्रीवियस वीडियो को ना देखे हो तो आप हमारे YCT जनरल नॉलेज 2024 नाम का प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाकर के दोस्तों आप उन सारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, लेकिन पहला क्वेश्चन देखने से पहले छोटी सी आपसे गुजारिश होगी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट दोस्तों आपको बता दूं क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। पहला बेनिफिट दोस्तों, आपके द्वारा किसी भी विषय में भेजे गए डाउट या डप्ट को क्लियर किया जाएगा। सबसे पहला काम तो ये हमारे इस ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि दोस्तों, अगर आपको यानी कि जो क्लास नोट्स यहाँ पे पढ़ाई जाती है दोस्तों, इस क्लास नोट्स का हल सहित PDF चाहिए तो ये भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको हर रोज का करंट अफेयर भी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, ताकि आपका साथ साथ में सारे सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ पढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर भी आप ग्रुप में दे दिया जाता है, ताकि बच्चे आप लोग करंट अफेयर भी साथ में पढ़ते चले, रिविजन करते चले। और दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो वो सारी बुकों का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी आपको हमारे ग्रुप से और चैनलों से मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप से जुड़ने से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये, दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1511 नंबर पे दिया गया है कि 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी। देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, दादा भाई नेहरूजी, MK सेन और मैडम भिकाजी गामा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी, तो ये करने वाले हमारे दोस्तों हो जाएंगे दादा भाई नेहरूजी हो जाएंगे। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो ये दोस्तों कब किया था, 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना दादा भाई नेहरूजी ने किया था। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 1511 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1512 नंबर। और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि इनमें से किस महानगर मेट्रो सिटी का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करा इनमें से किस महानगर या मेट्रो सिटी का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया है, तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, 1512 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर इसके बारे में आप जानेंगे कुछ और, तो मैं आपको बता दूं, देखिए दिल्ली महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, यह भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी। इस नगर की स्थापना तोमर वंशी राजा अनंगपाल तोमर ने की थी। कालक्रम में इस प्रकार नगर पर चौहान, अरबों, मुगलों तथा अंग्रेजों का आधिपत्य रहा था। ये सब हमारा दिल्ली से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, हमने दिल्ली से रिलेटेड बातें बताई। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सामने हमारे दिया गया है, कहा गया है 1513 में पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। देखिए, पंजाब के करा किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, तो देखिए वो शहर हो जाएगा हमारा अमृतसर। तो अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे देखेंगे 1513 का
विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नरसंहार 13 अप्रैल वर्ष 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ही हुआ था। और सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही है। तो ये सारी इसकी अमृतसर की खूबियां हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो गया 1513 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1514 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, नंदा देवी ग्लेशियर को, गंगोत्री ग्लेशियर को, सियाचिन ग्लेशियर को और रंगथोंग ग्लेशियर को। तो कह रहा निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो सियाचिन ग्लेशियर जी दिया गया सी ऑप्शन पे। 1500 हमारा 14 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि बर्फ से ढके सियाचिन को दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना युद्ध क्षेत्र माना जाता है। हजारों पाकिस्तानी और भारतीय सैनिक यहां तैनात हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों इस पर अपना अधिकार जताते हैं। सियाचिन विवादित कश्मीर सीमा से सटा हुआ है। ये दोस्तों कहां से सटा हुआ है, ये हमारा कश्मीर से सटा हुआ है। और सियाचिन ये एक प्रकार से इसमें भारत और पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिकों वहां पे लगे हुए हैं यहाँ पे, यानी कि कुल मिलाकर के भारत और पाकिस्तान दोनों इस पे अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। तो ये बातें थी दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर की। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1515 में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यू माल अले भी कहा जाता है। देखिए कर पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यू माल अले भी कहा जाता है, मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में, सिक्किम में। तो 1515 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है सिक्किम, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1515 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 1516 नंबर पे आ जाते हैं, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। मार्शल हो जाएगा, कनिंघम हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा या व्हीलर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का व्याख्यायित किया था जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। तो दोस्तों कौन हो जाएंगे यहाँ पे विकल्प नंबर सी जेम्स प्रिंसेप। ये हमारा 1516 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी कौन, ब्राह्मी लिपि, यही मतलब जो हमारे जेम्स प्रिंसेप हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और कब, 1837 में। 1837 में ये हमारे कौन, ये जेम्स प्रिंसेप जो हैं, ये ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में इनको वो मिला था, मतलब सफलता मिली थी। दोस्तों आपको बता दूं कि खरोष्ठी लिपियों को व्याख्यायित करने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को ही जाता है। इस लिपि का प्रतीक चिन्हों की एक व्यवस्था है जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है। लिपियां कई प्रकार की होती हैं जिसमें ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को व्याख्यायित करने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को ही जाता है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, देख लीजिए 1516 के बाद हम लोग देखेंगे 1517 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दहेज प्रतिषेध नियम 1961 में लागू हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने या देने तथा इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था हमारा 1961 में लागू हुआ था। तो ये दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इसमें अगर जैसे कोई दहेज लेते हुए पकड़ा गया तो इसमें दोस्तों 5 वर्ष का कैद था। देखिए 5 वर्ष कैद थी और 15,000 रुपया का जुर्माना था। क्या था दोस्तों, 15,000 का जुर्माना था, ठीक है।
तो ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई दोस्तों, ये आपने यहां से जान लिया। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं, 1518 नंबर, और यहां पे हमारा दिया गया है कि पुरातात्विक विद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डाट डाट में अशोक के शिलालेखों जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी। दोस्तों कब व्याख्या की थी ये बात हमको बताना है। तो ये दोस्तों अगर आप जानेंगे तो ये हमारा 1518 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1837 ईस्वी हो जाएगा, वर्ष 1837। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया 1837, विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 1537 का हमारा ए के साथ, नहीं 1518 नंबर का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि 1837 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले अभिलेखों और सिखों में किया गया था। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में पारदे टीफेंथलेलर ने की थी, इनकी संख्या दोस्तों 14 थी। अगला दोस्तों देख लेते हैं 1519 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, आनंद मोहन बोस ने, दादा भाई नेहरोजी ने, बीजी तिलक ने, डब्ल्यू सी बनर्जी ने। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नेहरोजी ने किया था। दोस्तों 1886 में भारतीय, यहाँ पे लंदन में कौन किया था, दादा भाई नेहरोजी ने किया था। यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 1519 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1520 नंबर, और 1520 नंबर पे क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिभा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था। देखिए इसमें कहा गया इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिभा आंदोलन शुरू किया, इसका क्या उद्देश्य था। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था, सती प्रथा को समाप्त करना इसका उद्देश्य था, या बाल विवाह को निषेधित करना था, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना था, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये था बाल विवाह को निषेधित करना था, कौन, प्रतिभा प्रतिज्ञा आंदोलन। यहाँ पे मैं बार बार प्रतिभा पढ़ रहा था दोस्तों, ये सॉरी इसके लिए यहाँ पे प्रतिज्ञा लिखा हुआ है, कह रहा प्रतिज्ञा आंदोलन जो था ये बाल विवाह को निषेधित करने के लिए था। तो विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे 1520 का हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों आपको इसके बारे में बता दूं कि राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जिसकी स्थापना एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ में संबंधित था। इन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया, इसकी शुरुआत दिसंबर 1887 में की गई थी। देखिए इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी, दिसंबर 1887 में की गई थी, दिसंबर 1887 हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला हमारा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है इस क्वेश्चन पे 1521 नंबर, इसमें कहा गया है 1500, देखिए 20 था हमारा ये, अच्छा ये हमारा क्या था 1520 था, देखिए 1521 तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यानी कि यहाँ पे नहीं रखा गया है, 1522 नंबर पे आ गए हैं। ठीक है चलिए 1522 देख लेते हैं, करा किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। देखिए असहयोग आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को, खेड़ा आंदोलन को, चंपारण आंदोलन को। तो दोस्तों यहाँ पे 1522 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण आंदोलन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, चंपारण आंदोलन। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं कि चंपारण जो जिले में सन 1917 में हुआ था, इसका नेतृत्व दोस्तों कौन किया था, गांधी जी ने नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था, किसका, चंपारण आंदोलन का। देखिए कब किया था, यहाँ पे अगर देखेंगे
ये हमारा 1917 में, कब दोस्तों 1917 ईस्वी में, आगे लिख दीजिएगा गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के, यहाँ पे गांधी जी के नेतृत्व में, नेतृत्व में ठीक है, ये हुआ था कौन सा, चंपारण आंदोलन, विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इस पे देख लीजिएगा 1522 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 1523 नंबर, और फिर देखिए यहाँ पे 1522 अगेन रख दिया गया है, तो इसका मतलब देख लीजिएगा जरूर क्वेश्चन रखने में हमारी गलती हुई है, यानी कि यहाँ पे 1522 को दो बार ही रख दिया गया है, 1521 को हटा करके, यानी कि हटा क्या किया होगा दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा रखने पे। यहाँ पे देख लीजिएगा चंपारण ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में ये बिहार के चंपारण जिले में शुरुआत की गई थी, विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1523 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है, कह रहा कौन सी घटना प्राचीनतम है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें जो प्राचीनतम घटना है हमारी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये प्राचीनतम घटना है हमारा 1523 का, विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूना पैक्ट लिखा हुआ है, तो पूना पैक्ट हमारा 1932 में हुआ था, और फिर उसके बाद देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ये सब पीछे मैंने आपको पढ़ा रखा है ठीक है ना। अब यहाँ पे अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगला दिया है खिलाफत आंदोलन, तो देखिए असहयोग आंदोलन, अच्छा असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में हुआ था, 1920 में हमारा हुआ है, और भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में हुआ है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1523 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1524 नंबर, और यहाँ पे कहा है कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो दिया गया है डी ऑप्शन पे, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहा है कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी अभी दोस्तों आपने पढ़ा है कब हुआ है, ये हमारा 1900 यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा 1919 में हुआ था। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा डी 1919 में हुआ था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर जानेंगे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दोस्तों हमारा हुआ है ये कब हुआ है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा हम लिखे दे रहे हैं 1930 लिखे दे रहे हैं। और फिर दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, अभी पीछे मैंने आपको बताया है। एक बच रहा है हमारा असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है, देखिए हमने यहाँ पे 1920 लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा 1524 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1524 के बाद देखिए 1525 फिर यहाँ पे गायब कर दिया गया, 1500 सीधा 26 आ गया, आगे देख लेते हैं फिर 1526 दो बार रख दिया गया है, यहाँ पे तो बहुत सारी गलतियां हुई जा रही हैं ना दोस्तों। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे 1526 नंबर पे ही कहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का उनके कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सबसे क्रम से इनको लगाना है, कौन पहले उसके बाद कौन उसके बाद कौन, ऐसे इसको हमको सीरियल से इनको सीक्वेंस से लगा देना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमारा चंपारण आंदोलन हुआ है, यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों क्या, चंपारण आंदोलन, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे चंपारण आंदोलन हुआ है। फिर दोस्तों दूसरा देखेंगे तो हमारा ये हुआ है जलियांवाला बाग, यहाँ पे हम लिख देंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड लिख देंगे ठीक है, ये हो गया। अगला देखेंगे दोस्तों तो ये असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन, देखिए असहयोग, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर दोस्तों क्या हुआ है, या हमारा खिलाफत आंदोलन हुआ है, क्या हुआ है खिलाफत, यहाँ पे हम लिख देंगे आंदोलन। तो ये हो गया असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। फिर इसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये जो दिया गया है गांधी इरविन समझौता, तो यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा गांधी इरविन, गांधी इरविन समझौता लिख दीजिएगा। फिर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा अगला क्या हो जाएगा, अगला और लास्ट हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे हम लिख देंगे भारत, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा छोड़ो
आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हमारा ये हो जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहां पे मैच हो रहा है। देखिए ये तो हमारा ई है, ये हमारा दोस्तों ए है, ये हमारा दोस्तों बी है, और ये हमारा दोस्तों सी है, और ये हमारा डी है। देखिए ई ए हमारा क्या बन जाएगा, ई ए बी सी और डी, ये दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो यानी कि 1526 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, फिर दोस्तों देख लीजिएगा वही क्वेश्चन दिया गया, तो यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1527 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नमक सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो 1527 का जो हमारा हो जाएगा, देखिए इसके क्रम को अगर हम मैच कराएंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सेकंड वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा। फिर दोस्तों अगर देखेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हमारा आ जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन। दोस्तों देख लीजिएगा चार में दिया गया, तो हमारा चौथा वाला आ जाएगा। फिर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया फर्स्ट नमक सत्याग्रह, ये आ जाएगा। फिर दोस्तों देखेंगे तो हमारा थर्ड भारत छोड़ो आंदोलन आ जाएगा, ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा 1527 का ए ऑप्शन पे, तो 1527 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों अगला देख लेते हैं, यहाँ पे 1528 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको सही कथन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे सही कथन दोस्तों देख लीजिए कह रहा, गांधी इरविन समझौते पर सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए क्या ये सही है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। गांधी इरविन समझौते पर सन 1926 में कह रहा हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये गलत है दोस्तों। गांधी इरविन समझौते पर दोस्तों हस्ताक्षर कब किए गए थे, 5 मार्च, देखिए मैं लिखे दे रहा हूं, 5 मार्च 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे, इसका एग्जैक्ट डेट ये होना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है साइमन कमीशन सन 1932 में भारत आया था, साइमन कमीशन सन 1932 में भारत आया था, तो ये भी दोस्तों गलत है। तो साइमन कमीशन कब आया था दोस्तों देख लीजिएगा, 3 फरवरी कब आया था दोस्तों, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। फिर कह रहा बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया, ये बात दोस्तों यहाँ पे सही कही गई है, ये हमारा क्या है, बिल्कुल ये सही कहा गया है। फिर कह रहा रोलेट एक्ट सन 1919 में पारित किया गया था, तो रोलेट एक्ट दोस्तों 18 मार्च, देखिए ये कब पारित हुआ है, ये 18 मार्च 1919 में ये पारित हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा 1919। तो विकल्प नंबर हमारा ये भी क्या हो जाएगा, गलत, ये भी गलत था, इनका एग्जैक्ट डेट मैंने लिख दिया है। तो 1528 का देखेंगे तो हमारा यहाँ पे सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसने कौन सा कह रहा सही पूछा, तो सही हमारा हो गया दोस्तों सी वाला। अगला दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 1529 नंबर, यहाँ पे कहा है कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना डाट डाट के द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर कनिम्भंग के द्वारा, गिरीश कुमार के द्वारा, जयंती पटनायक के द्वारा, सौरभ कुमार के द्वारा। देखिए 1529 का अगर आप देखेंगे यहाँ पे विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, यहाँ पे 1529 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1530 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया क्या गया है, इस पे कहा गया है कि भारत के राष्ट्रगीत की रचना इनमें से किसने की थी। तो भारत के राष्ट्रगीत की रचना दोस्तों सभी बच्चे बच्चे को पता है कि यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। भारत के राष्ट्रगीत की रचना इनमें से किसने की थी, यानी कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उपन्यास दोस्तों आनंद मठ से लिया गया था। तो दोस्तों ये कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से इसको लिया गया था, और इसको दोस्तों आपको बता दूं कि ये आनंद मठ से लिया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों 1530 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1531 नंबर, यहाँ पे कहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है, तो दोस्तों आनंद मठ का हिस्सा है। तो देख लीजिएगा 1531 का हमारा दिया गया है ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिए, कहा विवेकानंद शिला स्मारक डाट डाट में स्थित है, विवेकानंद शिला स्मारक डाट डाट में स्थित है, तो ये दोस्तों हमारा कन्याकुमारी में स्थित है। देखिए कन्याकुमारी यहाँ पे बी में दिया गया है,
तो 1532 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1532 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1533 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, इस पे ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था, अरुणाचल प्रदेश को, मेघालय को, नागालैंड को, मिजोरम को। तो दोस्तों यहाँ पे 1533 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है ए अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। फिर से दोस्तों क्वेश्चन में समझ लीजिएगा क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा अगला हमारा जो दिया गया है 1534 नंबर पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कह रहा निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है, जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है, या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है, और इस तरह तत्वमीमांसा तथा आस्तिकवाद को अस्वीकार करता है। देखिए संरचनात्मक व्यवहारिकता, प्रतीकात्मक अन्योन क्रिया, मत भिन्नता, निश्चयात्मकता। तो दोस्तों यहाँ पे 1534 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी हो जाएगा निश्चयात्मकता, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1534 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि निश्चयात्मकता एक दार्शनिक प्रणाली है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है, या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है, और इस तरह तत्वमीमांसा तथा आस्तिकवाद को अस्वीकार करता है। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर 1534 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व का इतिहास अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए विश्व के इतिहास के बारे में दोस्तों जान लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का कह रहा कौन सा राज्य पहले रूस का भाग हुआ करता था। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, हवाई, नेवाडा, कैलिफोर्निया, अलास्का। तो ये अलास्का जो हमारा दिया गया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य, तो ये अलास्का राज्य पहले रूस का भाग हुआ करता था। तो 1535 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अलास्का वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का घटक राज्य है, परंतु 1867 ईसा पूर्व से यह सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। पूर्व में इसे रूस के स्वर्ग के नाम से संदर्भित किया जाता था। देखिए इसके पूर्व में इसे रूस का स्वर्ग कहा जाता था। देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं इसे रूस का स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग आगे ले दीजिएगा कहा फिर जाता है, इसे रूस का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है भाई ये हो गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंध किसका नहीं है, क्रिप्स मिशन का, न्यू डील का, साइमन कमीशन का, वेवेल प्लान का। तो देखिए किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है पूछा गया है, तो वो व्यक्ति हमारा हो जाएगा न्यू डील का जो संबंध था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं होगा। तो न्यू डील हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। न्यू डील का संबंध दोस्तों आर्थिक महामंदी के उभरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933 से 1938 के बीच न्यू डील नामक कार्य योजना की घोषणा की थी। दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का ये कार्य योजना है। न्यू डील क्या है, देखिए न्यू डील कार्य योजना, इसके आगे लिख दीजिएगा कार्य योजना है। यहाँ पे ना कोई व्यक्ति है ना कुछ है, ये कार्य योजना है। ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1536 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1537 नंबर, और इसपे कहा है कि ईरान का प्राचीन नाम क्या है, फारस, मेसोपोटामिया, गाउल या सीलोन। ईरान का प्राचीन नाम दोस्तों अगर जानेंगे तो ये हमारा ईरान का प्राचीन नाम फारस हुआ करता था। कब दोस्तों, ईरान को सन 1935 तक फारस के नाम से जाना जाता था। देखिए
1935 तक, यहाँ पे आपके लिखेंगे 1935 तक ईरान को फारस नाम से जाना जाता था। फारस अगले दीजिएगा नाम से जाना जाता था, ये बात हो गई ठीक है ना। 1935 यहाँ पे हम लिख दिया। चलिए 1935 को अगर इसको सही करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूं, 1935 तक ईरान को फारस नाम से जाना जाता था, फारस नाम से जाना जाता था, ये बात हो गई दोस्तों। ये हमारा देख लीजिएगा दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 1537 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1538 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि बांग्लादेश को अपने स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश कह रहा है ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 26 मार्च को मनाता है। विकल्प नंबर हमारा ये बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है अगले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 1539 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत कथन को हमको बताना है, देख लीजिएगा यहाँ पे जो दिया गया है 1857 के विद्रोह का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, तो बात सही कह रहा है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी दी गई, ये भी बात दोस्तों सही कह रहा है। तो अभी दो विकल्प नीचे और जो होंगे उन्हीं में से कोई एक गलत होगा दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, तो अब इसको हम यहीं से छोड़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो विकल्प यहाँ पे रखने पे मिस्टेक हुआ होगा, तो इसके लिए दोस्तों आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि इस पार्ट में मैंने देखा दो तीन क्वेश्चनों का गड़बड़ी हुई है दिखने पे ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन स्लाइड तैयार करने वाले यहाँ पे मेरे व्यक्ति की गलती होगी, चलिए मैं उसको सुधार करवाता हूँ, अगली बार से ऐसा नहीं होने पाएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगला, यहाँ पे हमारा दिया गया 1540 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने भारत देश में ही है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो ये हमारा हो जाएगा भारत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अपने भारत में क्या है, 22 भाग हैं। देखिए भाग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 22 भाग हो जाएगा हमारा। फिर कह रहा है 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हम लिख देंगे। फिर आगे दोस्तों अगर देखेंगे तो 8 अनुसूची हैं, देखिए 8 आगे लिख देंगे अनुसूची, 8 अनुसूची लिख देंगे। फिर दोस्तों आगे देखेंगे तो 8 अनुसूची के बाद अगर हम देखेंगे तो कह रहा है फिर 22 भाग, 395 अनुच्छेद, और दोस्तों यहाँ पे जो 8 अनुसूची में विभक्त था, लेकिन अब इस समय दोस्तों आपको बता दूं कि 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं इस समय पे। तो देखिए भारत का मूल संविधान 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची में विभक्त था। पहले ये इतने में विभक्त था दोस्तों, ये हमारा क्या था, इतने में विभक्त था, आगे ले दीजिएगा विभक्त, आगे हम देंगे था। अब दोस्तों क्या हुआ है इसी में, 8 अंक देखिए 22 भाग तो हमारे वैसे ही हैं, और ये 395 हमारे क्या हैं, अनुच्छेद हैं, और यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे 12 अनुसूची हो गए हैं। क्या हो गए हैं दोस्तों, 12 अनुसूची हमारी हो गई हैं। तो ये हमारा क्या है, इतनी अनुसूची है वर्तमान में। अब हमारा ये क्या है, वर्तमान की कहानी है, ये हमारा वर्तमान की कहानी है, वर्तमान की कहानी है ठीक है ना। तो चलिए वर्तमान में ये सब हमारा हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे अगला 1541 नंबर, और इस पे कहा है कि डाट डाट 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पहले, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले, तो 1541 को दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा दिया गया जो सी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, यानी कि 1541 का हमारा विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद वर्ष 1919 में वर्साय की संधि के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना व शांति और सुरक्षा प्रदान करना था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद हमारा ऐसा हुआ था। दोस्तों आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद वर्ष 1945 में वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा 1541 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
1542 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी। तो 1971 में दोस्तों कह रहा किस देश की स्थापना हुई थी, तो ये दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को पश्चिम पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का एक स्वतंत्र देश बना था। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा बी, बांग्लादेश हमारा बना था 1971 में। तो 1500 हमारा 42 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1542 के बाद हमारा दोस्तों यहाँ पे बी विकल्प राइट हो गया। अगला हम लोग देखेंगे 1543 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि सतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। इंग्लैंड और इटली के मध्य, इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य, जर्मनी और फ्रांस के मध्य, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। दोस्तों ये हमारा जो सतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था वो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। तो 1543 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये युद्ध कब से कब तक चला, 1337 से 1453। देखिए 1337 से 1453 तक ये युद्ध चला था, ठीक है। ये युद्ध यहां से यहां तक की डेट में हुआ था। दोस्तों आपको भी बता दूं कि अंत इसमें किसकी विजय हुई थी, फ्रांस की विजय हुई थी। यहां पे हम लिख देते हैं फ्रांस की विजय हुई थी। और इसका जो विरोधी था दोस्तों कौन, इंग्लैंड की हार हुई थी, फ्रांस की विजय हुई थी, हुई आगे लिख दीजिएगा थी। तो ये बात यहाँ पे हो गई दोस्तों। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं युद्ध चला, ठीक है भाई। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 1544 नंबर, यहाँ पे कहा देखिए 1337 से 1553 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चला। देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध चला। तो ये हमारा यहाँ पे 1544 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसमें फ्रांस की विजय हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1544 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहा बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी। देखिए इसने क्या बताया, कह रहा बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों आपको बता दूं कि बोस्टन चाय पार्टी हमारी 1773 ईस्वी में हुई थी, ये दिया गया है डी ऑप्शन। तो 1545 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। इस घटना का नामक सैमुअल एडम्स था। ये 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को जब बोस्टन पर कर युक्त चाय के 3 जहाजों को ब्रिटेन से लौटाने से इनकार कर दिया गया था, तब उपनिवेशियों का एक समूह जहाज पर सवार हुआ और चाय की 342 पेटियों को बोस्टन हार्बर में फेंककर नष्ट कर दिया था। यह घटना अमेरिकी इतिहास की एक प्रमुख घटना है। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। दोस्तों बात समझ में आ गई आपको कि इसमें जो हुआ था ये मतलब यहाँ पे नष्ट कर दिया गया था, 342 पेटियों को बोस्टन हार्बर में फेंककर नष्ट कर दिया गया था, तभी दोस्तों इसका बोस्टन टी चाय पार्टी का वर्ष कहने जाने लगा दोस्तों, कब, 1773 ईस्वी में। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1546 नंबर, और इस पे कहा गया है कि किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है, यूके, चीन या भारत या फिर दोस्तों अमेरिका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देख लीजिएगा 1546 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1547 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था। वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था, फुलजेंसियो बस्तिस्ता या कर्नल गद्दाफी, चे गुएरा और फिदेल कास्ट्रो। तो दोस्तों ये जो हमारा हो जाएगा 1547 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे जो लिखा है फिदेल कास्ट्रो, ये जो दिया गया है डी ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1547 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कह रहा वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था, फिदेल कास्ट्रो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1547 के बाद हम लोग देखेंगे 1548 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। देखिए जिन्होंने आई हैव ए ड्रीम दिया था तो वो हमारे हो जाएंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दिया गया है बी ऑप्शन। यही हमारा 1548 का बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा मार्टिन। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा 1549 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था।
उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा था, ये बात बताना है। देखिए, ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, या दोस्तों भारत था, या फिर दोस्तों हमारा फ्रांस था। दोस्तों अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन दो देशों में से एक चीन था, दूसरा हमारा दोस्तों ब्रिटेन था। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे हमारा, यानी कि देखेंगे दोस्तों 1549 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अफीम युद्ध ब्रिटेन तथा चीन के मध्य 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य में लड़ा गया था। देखिए 1839 से लेकर के 1842 के मध्य लड़ा गया था, इसके मध्य लड़ा गया, जिसे लड़ा गया आगे लिख दीजिएगा, किसके किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों, चीन और दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिए चीन और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पे ब्रिटेन, चीन और ब्रिटेन के मध्य ये लड़ा गया था, ठीक है, ये बात हो गई। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1550 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है, तो चंगेज खान को कहा जाता है, नेपोलियन बोनोपार्ट को कहा जाता है, ऑटो वान विस्मार्क को कहा जाता है, या एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। तो 1550 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है यहाँ पे ऑटो वान विस्मार्क को कहा जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है। देखिए आयरन चांसलर जो कहा जाता है वो हमारा ऑटो वान विस्मार्क को कहा जाता है। 1550 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अनेक जर्मन भाषी राज्यों को एकीकरण करके एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने वाले विस्मार्क, यानी कि कौन, यही ऑटो वान विस्मार्क जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर बने थे। ये ऑटो वान विस्मार्क जो थे ये जर्मन जर्मन के दोस्तों जर्मन के लिख दीजिएगा जर्मन के प्रथम चांसलर बने थे, चांसलर बने कौन दोस्तों, यही हमारे जो हैं बने कौन, ऑटो वान स्मार्क, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑटो वान, आगे इस बिस्मार्क लिखा है, बिस्मार्क, देखिए ऑटो यहाँ पे बिस्मार्क लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर दोस्तों। देख लीजिएगा अब यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा हमारा ये बात हो गई, और अगला क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था दोस्तों 1815 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी कि 1551 नंबर का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसकी एग्जैक्ट डेट जानेंगे दोस्तों तो आपको बता दूं मैं यहाँ पे 18 जून 1815 ईस्वी में ये वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि वाटरलू नामक स्थान ये कहाँ है दोस्तों, ये बेल्जियम में स्थित, ये बेल्जियम में स्थित है वाटरलू नामक स्थान। देखिये यहाँ पे अगर आप लिखेंगे वाटरलू नामक स्थान दोस्तों ये कहाँ है, ये हमारा बेल्जियम में है, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा बेल्जियम हम लिख देंगे, ठीक है ना, ये हमारा कहाँ है दोस्तों, बेल्जियम में है, तो ये बात आप समझ लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि वाटरलू का जो युद्ध लड़ा गया था वो फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व नेपोलियन ने किया था, फ्रांसीसी की सेना का नेतृत्व नेपोलियन ने किया था, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो दोस्तों ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया था के मध्य हुआ था। देखिए फ्रांसीसी सेना और दोस्तों अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था दोस्तों। अब देखिए दूसरा फैक्ट अगर यहाँ पे जानेंगे तो यह युद्ध अगले देते हैं, यह युद्ध फ्रांसीसियों से और अंग्रेजों से हुआ था, अंग्रेजों से हुआ, देखिए फ्रांसीसियों से और अंग्रेजों से हुआ यह युद्ध दोस्तों, किससे किससे, फ्रांसीसियों और अंग्रेजियों से हुआ था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा 1552 नंबर में दिया गया, कहा गया कि डाटडाट द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी, अमेरिकियों की, जर्मनियों की, फ्रांसीसियों की, या फिर दोस्तों पुर्तगालियों की, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि डाट डाट द्वारा 1509 ईस्वी में
दीव पर विजय प्राप्त की गई थी? तो पुर्तगालियों पर दीव पर विजय प्राप्त की गई थी। 1552 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पुर्तगालियों लिख देंगे। अच्छा ये बात हो गई हमारी दोस्तों, देख लीजिएगा। और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 1552 के बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे 1553 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि 1907 में डाट डाट को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख एक ग्याल्पो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। तो देखिए चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उगेन वांगचाइन, उरयून वांगचुक, उगेन वांगचुक, उरयून वांगचाइन। तो दोस्तों 1553 का अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो विकल्प हमारा दिया गया है सी, उगेन वांगचुक, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनको ही दोस्तों 1907 में उगेन वांगचुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। इसे मतलब इन्हें दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख एक ग्याल्पो या ड्रैगन राजा के रूप में इनको स्थापित किया गया था। ये कौन है, उगेन वांगचुक है दोस्तों। यहाँ पे 1553 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1554 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगदिल्प द्वारा शासन का नियंत्रण कब किया गया था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 9वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो ये दोस्तों हमारा हुआ था 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप, कौन है दोस्तों, यहाँ संगलदीप द्वारा शासन का नियंत्रण कब किया गया था? तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो 1554 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों भूटान पर कूच बिहार के एक राजा थे, उनका नाम था दोस्तों संगलदीप, जो भूटान द्वारा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास नियंत्रण स्थापित किया था। तो ये हमारा विकल्प नंबर ए के साथ यहाँ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? देखिए 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों हमारा म्यांमार का। तो म्यांमार हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार को दोस्तों ब्रह्मा अथवा पैगोंडा का देश भी कहा जाता है। देखिए 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो म्यांमार का। देखिए इसको म्यांमार को अगर लिख देंगे, देखिए म्यांमार को क्या क्या कहा जाता है, ब्रह्मा या पैगोड़ा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे ब्रह्मा या दोस्तों पैगोड़ा, यहाँ पे लिख दीजिएगा पैगोड़ा भी कहा जाता है, यानी कि पैगोड़ा। आगे लिख देंगे दोस्तों पैगोड़ा का देश भी कहा जाता है, पैगोड़ा का देश भी कहा जाता, देश भी कहा, यहाँ पे देश भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों हमारा विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो 1555 का हमारा विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1556 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो दोस्तों आपको बता दूं कि बर्लिन की दीवारों को जो ध्वस्त किया गया था तो वो हमारा उस समय पे क्या था। देखिए आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि बर्लिन की दीवारें पश्चिम बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोध थी, जिसे 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में विभाजित करके रखा गया। इसका निर्माण 13 अगस्त 1961 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1989 में इसे तोड़ दिया गया था। तो ये दोस्तों 1989 में तोड़ा गया था। अगर इसका एग्जैक्ट डेट आप जाने तो 9 नवंबर 1989, देखिए यहाँ पे नवंबर लिख दीजिएगा, देखिए हमने क्या लिख दिया 9 नवंबर 1989 में इसको क्या किया गया था, तोड़ दिया गया था। 1556 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1557 नंबर, और इस क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कि 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान और में सरकारों को उखाड़ फेंका था। देखिए 2005 में अहिंसक क्रांतियों की
जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं बेलनान में सरकारों को उखाड़ फेंका था, तो वो श्वेत क्रांति थी, हरित क्रांति थी, रंगीन क्रांति थी, इंद्रधनुष क्रांति थी। तो वो दोस्तों हमारी रंगीन क्रांति थी, 1557 का देखेंगे, विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, रंग क्रांति या इसे हम रंगीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1558 नंबर, इसमें कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने, यानी ट्रैक का मतलब दोस्तों उसकी लोकेशन को पता करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी, तो वो दोस्तों हमारी सोनार थी। यानी कि 1558 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1559 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं। देखिए फिर से समझिएगा, यहाँ पे कहा है कि वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं। तो 1559 का दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है, जिग्मे खेसर नामग्याल, ये दिया गया है यहाँ पे सी ऑप्शन पे, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट थे, तो ये हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है, जिग्मे खेसर नाग नामग्याल, ये हमारा दिया गया है 59 में सी ऑप्शन पे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये भूटान के पांचवें राजा एवं वांगचुंग वंश के मुखिया थे। ये किसी भी देश में सबसे कम उम्र के राष्ट्राध्यक्ष बने थे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये भूटान के पांचवें राजा, देखिए यहां पर लिखे दे रहे हैं, या भूटान के पांचवें राजा थे। क्या थे दोस्तों? पांचवें राजा थे ये कह लीजिएगा। अब दोस्तों आप जानेंगे तो ये वांगचुंग वंश के मुखिया भी थे। देखिए अगर यहां पे लिखें, ये देखिए हम लिखे दे रहे हैं, ये वांगचुक वंश के मुखिया थे। क्या थे दोस्तों? यहाँ पे वांगचुक वंश के मुखिया थे, ये बात हो गई दोस्तों, दूसरा फैक्ट हो गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा 1560 नंबर पे दिया गया है कि श्रीलंका तब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियल ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। दोस्तों श्रीलंका को 1948 में, देखिए 1948 दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे, तो समझिएगा यहाँ पे श्रीलंका को 1948 में डोमिनियल ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, और 1972 में इसका नाम सीलोन के स्थान पर श्रीलंका कर दिया गया था। देखिए 1972 में सीलोन नाम की जगह श्रीलंका कर दिया गया, श्रीलंका आगे दोस्तों लिख दीजिएगा कर दिया गया। तो ये बातें थी दोस्तों हमारी। चलिए कुल मिला के आपने जाना यहाँ पे दोस्तों 1560 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1561 नंबर, कहा श्रीलंका को डाट डाट वर्ष में आजादी मिली थी। तो श्रीलंका को भी आपने ऊपर पढ़ा है कि 1948 में आजादी मिली थी, तो 1561 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1562 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इसपे कहा है कि टेराकोटा, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, कह रहा टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता था। देखिए यहाँ पे इसने कहा टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता था। तो ये दोस्तों पहले सेनाओं की, किस देश की पहली सेनाओं को दर्शाता था, तो ये चीन देश की पहली सेनाओं को दर्शाता था। विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा पिछला क्वेश्चन हमारा क्या था, फिर समझ लीजिएगा, ये ए ऑप्शन राइट हुआ है दोस्तों, और ये हमारा कौन सा नंबर था दोस्तों, 1562 का हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो गया है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा,
1563 नंबर, और यहां पे हमारा कहा है कि निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम यानी बोले दोस्तों तो का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था। तो ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों शासन औपचारिक रूप से 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था। यहाँ पे 1563 का देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1564 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। देखिए आप सुने होंगे पढ़े होंगे चीन की दीवार यानी कि वो सबसे बड़ी दीवार है, उसी को दोस्तों आप कहा जाता है चीन की दीवार, ठीक है ना। तो कह रहा चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं देखिए क्विंसी हुआंग को जाता है, फाहीन को जाता है, क्वी एन जांग अथवा डिहून ट्रेसिंग को जाता है, ईजिंग को जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं देखिए चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय दोस्तों क्विंसी हुआंग के साथ जाता है। यहाँ पे 1564 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि चीन में उत्तरी आक्रमणकारियों से रक्षा हेतु 5वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक कई दीवारें बनी जिन्हें मिलाकर चीन की दीवार कहा गया। चीन के प्रथम सम्राट क्विंसी हुआंग द्वारा बनवाई गई दीवार सभी दीवारों से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। यह दीवार मिंग वंश द्वारा बनवाई हुई वर्तमान दीवार के सुदूर उत्तर में बनी है, और दोस्तों चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय क्विंसी हुआंग को ही जाता है। विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा 1564 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 1565 नंबर, दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पे कहा है कि अफगानिस्तान पर डॉट डॉट विजय अफगानिस्तान पर डॉट डॉट द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है। पर्सिया के डेरियस प्रथम, अलेक्जेंडर पार्सिया के डेरियस तृतीय या डियोडोटस प्रथम। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे 1565 जो हमारा दिया गया है ये विकल्प नंबर जो ए दिया गया है पार्सिया के डेरियस प्रथम, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1565 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के हखमनी शाहक, फिर से समझ लीजिएगा कि ईरान के हकमनी शासक डेरियस प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में पंजाब सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र और सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह क्षेत्र फारस या ईरान का 20वां प्रांत बन गया। इस साम्राज्य में कुल मिलाकर 28 प्रांत थे। डेरियस प्रथम को भारतीय साहित्य द्वारा प्रथम कहा गया, यानी कि दोस्तों देखेंगे तो 1565 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1566 नंबर, इस पे कहा गया है कि 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए 1971 में स्वतंत्रता के घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान, जो दिया गया बी ऑप्शन, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1566 का देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। कह रहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए कब, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, यानी कि बांग्लादेश को स्वतंत्र कब घोषित किया गया था, सन 1971 में घोषित किया गया था, और उस समय पे प्रथम प्रधानमंत्री बांग्लादेश के कौन थे, तो शेख मुजीबुर रहमान दिया गया बी ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1567 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि महारानी एलिजाबेथ सेकंड हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई हैं। उन्होंने डॉट डॉट द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। तो ये दोस्तों उन्होंने ये जो मतलब करा है, उन्होंने डॉट डॉट द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया। तो ये महारानी विक्टोरिया नाम से थी दोस्तों, यही इन्होंने इन्हीं के द्वारा रिकॉर्ड पास कर दिया गया था। यानी कि 1567 का देखें तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 1567 के बाद हम लोग देखेंगे 1568 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है 1568 नंबर पे। इस पे कहा है कि विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत था। तो ये दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1568 का जो हो जाएगा, हमारे भारत देश का ही संविधान सबसे बड़ा एवं लंबा था, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1568 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं। देखिए श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं, तो बौद्ध धर्म का श्रीलंका में अधिकांशतः लोग अनुसरण करते हैं। दोस्तों अगला देख लीजिएगा, यहाँ पे 1570 नंबर में हमारा दिया गया कि फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटीनेंट का जन्म किस देश में हुआ था। देखिए इसमें कहा है कि फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म कब हुआ था। देखिए यहाँ पे हमारा मैरी एंटोनेट का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे एंटोनेट मैरी, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा यानी कि कहा गया कि फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था। देखिए इंग्लैंड में, यूनान में, ऑस्ट्रिया में या फिर दोस्तों इटली में। तो 1570 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में उनका जन्म हुआ था। विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1571 नंबर, और इसपे कहा है कि फ्रीडम ड्रिल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर करने या बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध करना या आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा, ये दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए 1571 में जो हमारा बता दिया गया है यहाँ पे कि फ्रीडम ट्रेल एवं 2.5 मील लंबा दर्रा है जो भारतीय क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध कर और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में दोस्तों कहा गया मिलेगा, तो ये दोस्तों आपको जो कौन से अमेरिकी शहर मिलेगा, ये बोस्टन अमेरिकी शहर में हमारा मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा बोस्टन शहर बी ऑप्शन पे दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि फ्रीडम ट्रेल दर्रा 2.5 मील लंबा जो बोस्टन अमेरिका में स्थित है, यह अमेरिकी क्रांति से संबंधित 16 महत्वपूर्ण स्थानों में से दोस्तों एक है। तो यहाँ पे बोस्टन जो दिया गया है 1571 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 1572 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि बाल रेबरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे, उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई। बाल रेबरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। तो 1572 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी अभी आपने पढ़ा है बोस्टन पढ़ा है, यही बोस्टन ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो 1572 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसने कहा पाल रेबरे। दूसरे पे हमारा 1573 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि स्वतंत्रता समानता और बंधुता की प्रेरणा डांट डांट से ली जाती है। दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, कहा गया भारतीय क्रांति से, रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से। ये स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता समानता और बंधुता की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो यहाँ पे 1573 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1574 नंबर, और इसपे कहा गया है कि मैग्ना कार्टा डॉट डॉट द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। मैग्ना कार्टा द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है, तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे किसके लिए है, इंग्लैंड के राजा जॉन के लिए, किंग अल्बर्ट एडवर्ड के लिए, किंग जॉर्ज पंचम के लिए, और फिर दोस्तों किंग विलियम हेनरी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे 1574 का जो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर था। तो ये 1500 हमारा देखेंगे तो 74 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 74 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1575 नंबर कहा है कि फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ है। तो देखिए 1575 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो दिया गया है ए पे 1889 में, देखिए 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ है। तो दोस्तों ये अभी अभी आपने देखा 1889 जो दिया गया है ए ऑप्शन पे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1500 यहाँ पे हमारा 75 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1576 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि गुल, देखिए यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, देखिए इस पे पढ़ा आपने फ्रांसीसी क्रांति का 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण 1889 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन था कि गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में डाट डाट साल में लड़ी गई। तो यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे इसने बताया कि गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में डाट डाट माल माल साल में लड़ी गई थी, दोस्तों कब लड़ी गई थी, तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो 1772 ईस्वी में लड़ी गई थी। विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1772 का दिया गया है बी ऑप्शन, तो 1576 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1577 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, थियोडोर रूसवेल्ट या जॉर्ज वाशिंगटन। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 1577 का जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए अब्राहम लिंकन, यानी कि अब्राहम लिंकन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, और यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो 1578 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है, करा कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है, तो वो हमारा जो चीन दिया गया है यही हमारा गणतंत्र देश नहीं होगा। बाकी दोस्तों विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो हमारा सी के साथ भी क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 1578 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे हमारा 1579 नंबर पे दिया गया है, कहा गया है कि ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई। देखिए 1948 में, 1945 में, 1942 में या फिर दोस्तों 1944 में। तो ये हमारा जो दिया गया है 1944, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्राप्त या प्रारंभ की है। इसका तत्काल उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संगठन से जूझ रहे देशों की मदद से है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर 1579 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे, और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों आपको बता दूं कि आज से हमारा इस पार्ट का यानी कि जो हिस्ट्री इस बुक में दिया गया था हिस्ट्री हम कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आज हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान में राजनीतिक पार्टी को किस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अफगानिस्तान इस्लामी राज्य, अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, अफगानिस्तान इस्लामी सरकार। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 1580 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी के साथ राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1580 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों आपने राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहें। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। दोस्तों यहीं से हमारा हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री हो या दोस्तों हिस्ट्री हो, यहीं से हिस्ट्री हमारा दोस्तों फिनिश हो रहा है। और दोस्तों अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।